राइट्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टेक्नीशियन वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों यह जो कंपनी आती है वह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर आती है। दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में जो है यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ से आपको विदेश जाने का मौका दिया जा सकता है, या किन किन ट्रेड के लिए या किन किन कैंडिडेट्स के लिए यह रिक्वायरमेंट है, यह जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है यह पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों अभी से आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत यह राइट्स यह कंपनी आती है। और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए मौका दिया गया है, जैसे कि टेक्नीशियन में एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग वर्क, एयर ब्रेकर, तो यहाँ पर अलग अलग मौका दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी मैक्सिमम एज जो है वह 40 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज जो है वह आपकी कितनी 18 साल की होनी चाहिए। और आपकी एज जो काउंट की जाएगी यानी 1/3/2023 से आपका जो है यहाँ पर एज लिमिट लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन में एयर कंडीशन, ITI प्लस यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टेस्टिंग PMPU टेस्टिंग ऑफ RMPU इन रेलवे कोचेस ऑन बोर्ड ट्रबिंग शूट ऑपरेट एयर कंडीशन इंक्लूडिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल के जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ITI पास आउट होने चाहिए, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए वो भी इंडियन रेलवे से, इलेक्ट्रिकल इन अप्रेंटिसशिप इन इलेक्ट्रिकल ऑफ इंडियन रेलवे और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। दोस्तों यह नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसी ही नई नई अपडेट टाइम टू टाइम आती रहती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों टेक्नीशियन मैकेनिकल इंटीरियर फर्निशिंग, यहाँ पर ITI पास आउट, आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में इंडियन रेलवे से यहाँ पर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैकेनिकल प्लम्बिंग वर्क ITI अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडियन रेलवे 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैकेनिकल में ब्रेक एंड बोइंग इक्विपमेंट्स में आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर ITI पास होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप और मैकेनिकल और इंडियन रेलवे में। तो दोस्तों यह जो है यह आपके पास यह कंडीशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जैसे ST OBC NCL PWD हैज अप्लाइड शुड हैव एट लीस्ट 15 मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन कंसिडरिंग अगेंस्ट रिजर्वड पोस्ट, तो यहाँ पर आपको कम से कम 50 मार्क होने चाहिए। यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट शुड प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म रिकग्नाइज द बोर्ड इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ ITI शुड अप्रूव्ड बाय NCVT और SCVT, यानी यहाँ पर दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप यह पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटन टेस्ट से यहाँ पर आपको 100% उससे लिया जाएगा, यानी आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है 20,000 से 66,000 तक। और आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट होता है रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर आपको बोनस भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर बेसिक पे, DA, फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंस 23%, बेसिक पे, HRA लेस, कॉन्ट्रीब्यूशन, PF, ग्रेटिट्यू, पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यू, तो यहाँ पर अलग अलग आपको जो है बोनस मिलने वाली है, आपको छुट्टियाँ भी मिलने वाली है,
मंथली भी छुट्टियां मिलने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, लीव इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, पूरी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण और एक मुद्दे की बात जो है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो भी यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये लगने वाली है। और जो भी यहाँ पर EWS, SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 यहाँ पर रुपीज़ लगने वाली है। दोस्तों यह जो एप्लीकेशन है आपको ऑनलाइन भेजना है, पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं यानी सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन कॉपी आपको भेजना है। कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर जो है सेंटर्स, यहाँ पर देखिए यह रिटर्न टेस्ट के लिए सेंटर दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, यहाँ पर यह इन जगहों पे जो है आपकी रिटर्न टेस्ट होने वाली है। इसलिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वह rights.com इस वेबसाइट पर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। अदर कहीं से भी फॉर्म मत फिलअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यह है कि आप जो है उसी वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कीजिए, वरना आपका फॉर्म जो है वह रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो यहाँ पर आप सभी का हृदय की गहराई से बड़ी विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिन भी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप करना है प्राइवेट लिमिटेड में, तो यहाँ पर महिंद्रा उसमें जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आपको कंपनी का नंबर चाहिए या तो हमें यहाँ पर कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम ग्रुप पर वह नंबर भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।